अभी बैठे हो इस पार, कल बैठेंगे उस पार, उस पार। मतलब समझ गए होंगे आप? हाँ समझ गए। 20 तारीख को ही उस पार बैठ जाएंगे। अभी तो रह जाएंगे। संभावनाएं अपार, भविष्य के केवल हार। केवल हार, क्षमता तुम में है, गुण भी तुम में है। ले जाना इस कश्ती को नदिया के उस पार। अब है नरेश जी। अब नरेश जी आप सुन लो अपने बारे में। अंग्रेजी पढ़ाते, डांस कराते, मुरली बजाते, बैंड सिखाते, अभिनय के लिए रूप दिखाते, बॉल खिलाते, आंखों देखा वर्णन करते, क्या छोड़ा अवशेष? तुम क्या हो मेरे यार, मैं समझ न पाया कितने तेरे वेश। ठीक है, धन्यवाद। अब है योगेश मिरकानी, गांव से यहाँ आया एक दूर का बंदा। इसके बारे में गढ़वाल से कुमाऊं तक कोई नहीं है सानी। सानी वाले जानते हैं आप, बराबर वाला। गढ़वाल से कुमाऊं तक कोई नहीं है सानी, विद्यालय के हर संकट के समाधान की तुमने है ठानी। इसीलिए कहते तुमको है योगेश मेलकानी। मेरे बगल में बैठे हैं डॉक्टर गोली। बचेगा कोई नहीं, देखे सबके ऊपर कमेंट। प्रेम नाम है, प्रेम काम है, प्रेम मेरी मुस्कान। मस्त चाल है, दक्ष काम में, यही तुम्हारी है पहचान। दक्ष है, हाँ, मुस्कान हमेशा चेहरे पे है और चाल मस्त है। मैंने कोशिश की है कि आपके गुणों को पकड़ करके इसको जो है लिखा जाए। अब है मनोज जी। ऊर्जा के भंडार, गति के घोड़े पे सवार, यहां पढ़ाकर वहां पूजा के फूल चढ़ाते, सबका बेड़ा पार। अब नीरज जी, नीरज जी बचेगा कोई नहीं। मेरी क्षमता तुम क्या समझो, ये बहुत इंटेलिजेंट है क्या? मैंने इंटरव्यू लिया, मैंने बोला भी था कुछ, कमेंट भी किया। मेरी क्षमता तुम क्या समझो, मैं हूं नीरज, सीखो मुझसे धीरज। मैं चाहती हूं करूं मैं मेहनत पूरी, फिर भी आशा मुझे है तुम समझोगे मेरी मजबूरी। ठीक है, अब है नहीं। देखिए जी बहुत दक्ष है। तुम दक्ष हो, तुम सक्षम हो, तुम एक स्मार्ट शिक्षक हो। तुम दक्ष हो, तुम सक्षम हो, तुम एक स्मार्ट शिक्षक हो। तुम में संभावनाएं अपार, जरा जोर लगा दो मेरे यार। अमित बगई कहाँ है? चुपना नहीं। अब अमित जी के विषय में तेज तेज चलाई। तेज तेज चलाई, कोशिश पूरी करी। तेज तेज चलाई, कोशिश पूरी करी। लगते प्यारे हो, हमेशा मुस्कुराते रहते। लगते प्यारे हो, सबके दुलारे हो, पर ये बताओ अभी तक क्यों कुंवारे हो? Thank you.
लो भाई उसको लो ढूंढ निकाल ले सुमित्रा जी सुनो जरा तुम भी है ना तुम्हें है खास जानता हूँ तुम्हें है खास जानता हूँ तुम करते ईमानदार प्रयास यह मानता हूँ एक धक्का और दो सबका भ्रम तोड़ दो पर सबसे पहले अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दो जो मैं बोल रहा हूँ ऐसा अमल भी करना है ना आप किसका नंबर है चलो रश्मि काला जी को ले रश्मि काला जी बारे में लिखा है पता नहीं सही है या नहीं पर मैं जो फील करता हूँ मैंने लिख दिया इस पल आंसू उस पल मुस्कान इस पल आंसू उस पल मुस्कान नहीं समझी दुनिया तुमको तुम्हारी एक खास पहचान जहां जाती छोड़ के आती अपना खास निशान ये कहां चली जाएंगी ना तो भी तुझे रश्मि नहीं आई ये विशेषता है ये भी सब लोगों में नहीं होती है नहीं अच्छा किसका नंबर आ रहा है अब जो नंबर आ रहा है रविंद्र जी का नंबर लगा रहे हैं अच्छा रविंद्र जी के बारे में क्या है रविंद्र जी ठीक है ये तो संत आदमी है इसके बारे में मेडिटेशन थी वो क्या थी मैं बता देता हूँ बोलते कम काम में दम हर तनाव झेलने में सक्षम ये पंत जी का तनाव भी बोलते कम काम में दम हर काम हर तनाव में झेलने में सक्षम ये कैसे शिक्षक जिसे चाहते तुम और हम तुम्हारी प्रशंसा का असल में मैंने कटिंग कुटिंग बहुत हो रखी है तुम्हारी प्रशंसा का नहीं है अंत कोई कुछ भी कहे पर रविंद्र में मैंने पाया एक संत रविंद्र में मैंने पाया एक संत संत से कोई नहीं होते हमारे लिए संत कभी किसी से कोई झगड़ा नहीं हर एक का बोलना काम करना काम में जो है मिट जाना अब जो है दो जुड़वा बहने दो जुड़वा बहनों को मैंने जोड़ दिया क्योंकि जब मैं शुरू में यहाँ पर प्रधानाचार्य बना था दोनों में जुड़वा बहने से लगती थी क्योंकि इसमें दोनों आई थी नीता जी और रंजना इन दोनों में कंबाइन करके लिख दिया मुझे लगती जुड़वा बहने दोनों के क्या कहने जो भी काम दिया पलक झपकते ही पूरा किया मेरा तो दोनों ने ही हर काम में साथ दिया अब आए धर्मेंद्र जी ये एक सिपाही है जो बॉर्डर पर हमेशा तैनात रहते हैं दुनिया में कुछ भी हो जाए चाहे आम चुनाव हो रहे हों चाहे कुछ भी हो रहे पर बॉर्डर का जो सेनानी है उस बॉर्डर पर तैनात है दुनिया अपनी धुन में डूबी गहरी दुनिया अपने धुन में डूबी गहरी पर तुम डटे रहे कक्षा में जैसे बॉर्डर पर है प्राणी काश मैं कुछ कर पाता मैं अपना दर्द भी है आप सबके लिए काश मैं कुछ कर पाता तुमको सेवा की स्थिरता दे पाता धैर्य रखें कुछ होगा धैर्य रखें कुछ होगा तुम्हारी कर्तव्य निष्ठा से ही भाग्य खुलेगा अब नरेश जी कहाँ है नरेश जी अब नरेश है कड़क बोलता है अच्छा लिखता है अच्छा बोलता है अच्छा करता है अब कड़क बोलता है मैदान साफ हो जाता है इसकी आवाज एक आवाज मैदान साफ सुंदर लिखना सुंदर करना
इनका सपना, इसीलिए यह शिक्षक लगता है सबको अपना। साधना जी कहाँ है, तैयार हो जाओ। कोयल देवी मीठे बोल, व्यवहार में अनमोल, हर विद्या में कुशल, हर कार्य में सफल, सबका है यह मानना, इसीलिए तुम्हारा नाम है साधना। महेश जी कहाँ है, सुन लो भाई महेश, तुम्हारे साथ मैंने अपनी पीड़ा जोड़ी है, मेरी पीड़ा का इलाज तुमने करना है, इसलिए मैंने कुछ अलग ढंग से लिखा है। महेश तुम बताओ मेरे जीवन में अब क्या है अवशेष, तुम ज्योतिष के ज्ञाता पर मन मेरा क्यों अपना, कैसे छोड़ू इस उपवन को, कैसे छोड़ू इस उपवन को जो मुझको है दिल से भाता, संतोष धन जो तुम में है क्यों नहीं करते मेरे से आधार। सुरेंद्र जी यहाँ पे हैं, पेटवाल जी गए हैं ब्लॉक, आपने देखा होगा सब में अलग है, शांत शीतल सुंदर रहते सबके दिल के अंदर, जो भी कहते जब भी कहते रहते सदा मर्यादा के अंदर। एक एक हमारे अलग व्यक्तित्व हमारे बीच में है, इसका नाम उर्वशी। जब भी पूछा कहाँ उर्वशी, ऑफिस पे है, कक्षा में है, कंप्यूटर में है, इस पल यहाँ, उस पल वहां, उस छोर पर इस छोर पर, कभी इधर है कभी उधर, गुस्सा झगड़ा ना नुकर कभी नहीं, गुस्सा झगड़ा ना नुकर नहीं कभी। उर्वशी तुम्हारे चेहरे पर, उर्वशी तुम्हारे चेहरे पर पाई सदा हंसी। गांधी जो ना कभी तो हंसती रही। गौरव गौरव क्या है तुम्हें मुझसे क्यों छिपाते, गौरव क्या है तुम्हें मुझसे क्यों छुपाते, अपना रहस्य मुझे क्यों नहीं बताते, क्यों कहते सभी छात्र गौरव सर अच्छा पढ़ाते। अब है नंबर, आज अकांग वो नहीं है क्या, कंडारी मैडम नहीं आई, नहीं नहीं कंडारी नहीं आई, अच्छा वो नहीं आई, अच्छा चलो अमृता जी के बारे में पढ़ते। अमृता हो, अमृत का भंडार हो, सौभाग्य तुम्हारा, सौभाग्य हमारा, बच्चों का, बच्चों को शिक्षा का वरदान हो। अब निशा की बारी है, निशा निशा नहीं तुम आशा हो, निशा निशा नहीं तुम आशा हो, ये छात्र तुम्हारे जो कहते मुझसे, तुम इनके मन की अभिलाषा हो। इनकी शादी होने वाली है। निशा निशा नहीं तुम आशा हो, ये छात्र तुम्हारे जो कहते मुझसे, तुम इनके मन की अभिलाषा हो, निकट परिणय बंधन है। निकट परिणय बंधन है, उस क्षण का अभिनंदन है। प्रसन्न रहो तुम, ईश्वर से यह बंधन है, आशा है, आशा है इनको भूल न जाना, इनको मतलब आशा है इनको भूल न जाना, इन मासूमों, इस इन मासूमों का भी तुमसे कुछ बंधन है। बहुत अब है अनुज, प्रिय अनुज तू मेरी सुन,
खेल खिलाना, पाठ पढ़ाना, इनकी सुनना, उनकी सुनना, सबकी बातों को हंस हंस कर पूरा करना। मुझे बताओ तुम रखते कितने गुण, मुझे बताओ तुम रखते कितने गुण। अब उमा शंकर जी यहाँ पे नहीं है, अभी आए तो नहीं ना। अच्छा, एक हमारे बीच से वो चली गई थल नदी लेकिन वो हम सब का दिल ले गई है थल नदी। कुछ लाइने में उनके लिए लिखी है, हर जुमा पे नाम है तुम्हारा, हर जुमा पे नाम है तुम्हारा, हर दिल में सम्मान है तुम्हारा, निष्ठा, निपुणता, संकल्प, समर्पण तुम्हारे व्यक्तित्व है, तुम्हारा व्यक्तित्व है हम सभी का दर्पण। काश न तुम न जाती थल नदी, काश तुम न जाती थल नदी, रहती यहीं यदि, काश तुम न जाती थल नदी, रहती यदि यहीं, पर मजबूरी है हम सभी की, होगी वही जो कहती है नियत, होगी वही जो कहती है नियत। उमा शंकर जी के पढ़ देते हैं ना, सबके पढ़ देते हैं ना। अब उमा शंकर जी यहाँ पे हैं, पढ़ देता हूँ। उमा शंकर जी की खूबी यह है कि वो ईमानदार है, जितना उनको आता है ईमानदारी से काम करते हैं। कई बार मैं उनको डांटता हूँ लेकिन कभी वो रिएक्ट नहीं किया, सब कुछ सुना। उनके बारे में मैं कहना चाहता हूँ, भोले शंकर कभी कभी गुस्सा आया तुम पर, भोले शंकर कभी कभी गुस्सा आया तुम पर, कंठ में पीकर तुम रहे निष्ठा के पद पर। आप सलोनी मैडम नहीं आई? चलिए पहले प्रदीप लकड़ा गाने पढ़ लेते हैं, उधर वहां तक भी मैसेज पहुंचा दे, उनको हम सम्मिलित कर लेते हैं अपनी सभा। तुम आधे थे मैं आधा था, तुम आधे थे मैं आधा था, तुम संग मिलकर मैं पूरा था, संग छोड़ जो चले गए आधा मुझको फिर छोड़ गया। उसका काम पूरा ही कर रही है, ठीक है। सर्वेश्वरी के बारे में लिखा है, सरोज मैडम, शी इज डेडली ऑनेस्ट, और बड़ी खूबी है, मैं पढ़ देता हूँ। मुझे मालूम है कौन है गुणवान, ये मैंने उनके लिए लिखा है कि मुझे मालूम है कौन है गुणवान, खेलती लाखों में हो तुम, खेलती लाखों में हो तुम, मतलब हर महीने कैश उनके हाथ में आता है। मुझे मालूम है कौन है गुणवान, खेलती लाखों में हो तुम, पर नहीं डोला कभी ईमान, पर कभी नहीं डोला ईमान। ललित मान, अच्छा ललित, ललित तैयार हो जाओ। ललित तुम लाल हो विद्यालय के लिए कमाल हो, ललित तुम लाल हो विद्यालय के लिए कमाल हो, सभी के प्रिय हो छात्रों में भी धमाल हो। ये छात्रों के साथ मनोरंजन भी करते हैं और छात्रों का कंट्रोल भी करते हैं। अब राकेश कहाँ? अब राकेश इधर आ जाए जल्दी, इधर आ जाओ, यहाँ आ जाओ, तुम्हें पकड़ लेंगे यहाँ पे। देखो ये राकेश पढ़ा है, राकेश के विषय में क्या लिखा है ना, राकेश नाम है विशेष, राकेश नाम है विशेष, रात हो या दिन जब कोई नहीं मिलता तुम ही रहते शेष। कोई नहीं है तो राकेश है, ठीक है। राजवाला जी कहाँ हैं? मैडम, मैडम बैठिए बैठिए। आप तो मालूम होगा हमारे कुंडली से बलवीर सिंह कुंडली जी, आपकी धर्मपत्नी हमारे यहाँ मृतक आश्रित में काम कर रहे हैं, उनकी अपनी परेशानियाँ हैं, मजबूरियाँ हैं,
अन्यथा ये ऐसी स्थिति ना आती, लेकिन फिर भी हम उनका पूरा सम्मान करते हैं। और कुछ मजबूरी है जीवन में ओढ़े जिनको चलना है, कुछ मजबूरी है जीवन में ओढ़े जिनको चलना है, रहता मुझको है राहत मुझको है, राहत मुझको है कुछ संबंधों के कारण, यह विद्यालय मुझको लगता अपना है। राहत मुझको है कुछ संबंधों के कारण, यह विद्यालय मुझको अपना लगता है। तो उनके पति ने यहाँ नौकरी करी, आज भी यहाँ नौकरी कर रही है, इसलिए यदि विद्यालय उनका परिवार है। भोजन माताएं सब बैठी हैं, एक भोजन माता नहीं आई है। आप भोजन माताओं के विषय में, तीनों के विषय में मैंने कुछ लाइनें लिखी हैं। भोजन माता होना बहुत सौभाग्य की बात है, इतने सारे बच्चों को भोजन कराने बहुत पुण्य कमाने की बात, मैंने उसी एंगल से लिखा है। सौभाग्य तुम्हारा भोजन माता है भोज कराना भाग्य कमाना, सौभाग्य तुम्हारा भोजन माता है भोज कराना भाग्य कमाना। भूखा बच्चा जब निकट तुम्हारे आता, भूखा बच्चा जब निकट तुम्हारे आता, भोजन करता और कहता तुम कितनी अच्छी हो, तुम मेरी माँ सच्ची हो, तुम कितनी अच्छी हो, तुम मेरी माँ सच्ची हो। उसकी माँ वही है जो भोजन कराती है बच्चों, इसलिए भोजन माताओं का जो काम है बहुत महत्वपूर्ण है। भट जी हैं आपके, भट जी आप तो हमें सबसे बुजुर्ग हैं, तो मैं आपको उसी रूप में लिखा है कि भट जी तुम अच्छे हो, तुम सच्चे हो, उम्र दराज हो, ये सब बच्चे हैं, ध्यान रहे तुम भूल न जाना इनको, ये सब अच्छे हैं। और कोई छूट गया है, कोई छूटा है? अच्छा एक कर्नल डीपी सिंह जी की मैं आज बुलाया था, माली जी तो माली है ही, सारा फोन को जो है हरा भरा रख रहे हैं, तो उनकी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका हमारे ज्ञान में रही है। और एक खास बात यह है, खास बात यह है कि माली जी जो है इस विद्यालय को अपना मान चुके हैं। इनकी एक खूबी यह है कि ये इस विद्यालय के हर पत्ती हर डाली को देख करके और उसकी खूबसूरती को बनाए रखने में अपना बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं, तो माली जी का तो हम धन्यवाद करते ही हैं। मैंने कर्नल डीवी सिंह जी के बारे में कुछ टाइम लिखी, वो आज आए थे, उनका बहुत बड़ा योगदान इस विद्यालय में। देखा था हमने एक सपना विद्यालय में कुछ नया करें, देखा था हमने एक सपना विद्यालय में कुछ नया करें, सोचा था छात्र यहाँ का नए पंखों से उड़ान भरे, मैंने साध्य चुना था। हम तो साध्य है ना, साधन तो है ही नहीं हमारे पास, योजनाएं दिमाग में बना लेते हैं बड़ी बड़ी, ये करेंगे वो करेंगे, साधन तो होते नहीं है। तो मैंने ये साध्य चुना था, साधन बनकर तुम निकले निकले, गाल बजाई करने वाले शुभचिंतक मैंने बहुत देखे, गाल बजाई करने वाले शुभचिंतक मैंने बहुत देखे, पर तन मन धन अर्पित करने वाले तुम ही निकले। एक इस स्वार्थ भरे मन के मैले घोर दिखावे के संसार, इस स्वार्थ भरे मन के मैले घोर दिखावे संसार में, सब डूबे हैं धन दौलत के अभिमान में, तुमने हम सबके सपनों को राह दी आकार दिया, तुमने हम सबके सपनों को राह दी आकार दिया, कैसे भूलू करनल तुमको जो तुमने हम सब पर उपकार किया। और जो अभिभावक संघ के अध्यक्ष एसएमसी के अध्यक्ष, उनके लिए भी दो तीन लाइनें मैंने लिखी हैं, तो पढ़ के आपको सुना देता हूँ। एक अध्यक्ष है रावत जी, एक अध्यक्ष है नेगी जी, दो हाथ हमारे रावत जी और नेगी जी, दो हाथ हमारे रावत जी और नेगी जी, अध्यक्ष पीटीएम अध्यक्ष एसएमसी, दोनों को जो दोनों का जो प्यार मिला, जो दोनों का आशीर्वाद मिला, सदा रहेगा संग चलेगा इस उपन में रंग भरेगा, मेरी सेवा नीति के बाद ही बना रहेगा ऐसा है विश्वास हमें, यह विद्यालय कृतज्ञ रहेगा। कोई छूटा तुम?
तो ये जो मैंने बनाई जो भावनाएं थी मेरी, कोई आप लोग नाराज ना होना, वैसी भावनाएं हैं कि मैं आप लोगों को बहुत प्यार करता हूँ, बहुत सम्मान करता हूँ, और निश्चित रूप से कैलेंडर में हर एक की डेट लिखी है। बिल्कुल सही, मेरे पास कोहली जी का नंबर है, कोहली जी के बाद अन्य लोगों का नंबर है, और वरिष्ठतम जो अध्यापक इस विद्यालय के रहे हैं उसमें कोहली जी हमारे साथ में, मेरे साथ के जो अपॉइंटेड थे सब सेवानिवृत्त हो चुके हैं, लेकिन आप सब नौजवान लोग हैं, नई पीढ़ी इस विद्यालय की है। हम ये चाहते हैं उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ उतार ना आए, चढ़ाव पर ही हम चलते रहे, इसके चढ़ाव को और आगे बढ़ाना है। और बाकी ये फंक्शन तो होते रहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण औपचारिकताएँ होती हैं फंक्शनों की, लेकिन जो मनों का प्यार है, मनों का दुलार है, एक दूसरे की समझ है, वो हमारी बनी रहनी चाहिए। गुरु महाराज की कृपा से मैं आपको बहुत सौभाग्य समाधिशाली समझता हूँ कि इस जगह आकर के, इस विद्यालय में आकर के, सच पूछो तो जो मैं नहीं था, जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं करती, कुछ भी नहीं था, लेकिन इस विद्यालय में मुझे पनपने का मौका मिला, इस विद्यालय में सीखने का मौका मिला, इस विद्यालय में मुझे कुछ करने का मौका मिला, और करने से सेटिस्फेक्शन होता है। ज़िंदगी का सबसे बड़ा सेटिस्फेक्शन जो किसी को मिलता है तो वो करने से मिलता है। तो कहीं मुझे लगता है कि हाँ, कुछ यहाँ के क्षेत्र के लिए, यहाँ के बच्चों के लिए हमने एक अच्छा संस्थान यहाँ पे प्रारंभ किया है। और मैं आज जिक्र कर रहा था कि आपके साथ ना आपका विभाग खड़ा है, ना वो व्यवस्थाएं खड़ी हैं। व्यवस्थाएं आपको बाधा तो उत्पन्न कर सकती हैं, जांच के नाम पर ये कागज है, वो कागज है, ये है, खड़ा होगा साथ कोई नहीं देगा। हमारा जो इन विद्यालयों का जो एक बहुत क्या कह सकता हूँ मैं, सौभाग्य है, दुर्भाग्य है, इन विद्यालयों में जो अध्यापक बैठा है, जो प्रधानाचार्य बैठा है, उसी को सारा दर्द लेना है, उसी को सारा दर्द लेना है। अगर लक्षण विद्यालय में दर्द ले रहे हैं तो गर्भा जी ले रहे हैं, अगर सहसपुर में दर्द ले रहे हैं तो सैनी जी ले रहे हैं, अगर मत्तवाला में दर्द ले रहे हैं तो गुरुजी जी ले रहे हैं, ठीक है। जहाँ भी है हमारे ये संस्थाओं में है।